नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नट्स। हमारे आज के वीडियो का विषय है इमरान चीचा हग लाइफ। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले राजीव सरदेसाई की ये वाली वीडियो देखिए। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे तो पक्का लगता है कि किसी दिन इनकी लिंचिंग ही हो जाएगी। इमरान अहमद खान नियाज़ी, सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ। रोज़े क़यामत हैसियत खातम नबी। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वैसे हम सबको तो पता ही है कि एनवायरनमेंट को सेव करना कितना जरूरी है, और एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है चलिए इमरान खान से ही सुनते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर जो मुझे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, 70% लाहौर का दरख्तों का कवर काटा गया, यानी 70% जो ग्रीन कवर था वो कम हुआ 10 सालों के अंदर। तो उसके नतीजे तो आने थे, क्योंकि दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। पहली बात तो ये नोटिस कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये कैसे सहमे सहमे होके बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त इनकी फटने वाली है। मिस्टर प्रेसिडेंट टॉक टू यू अबाउट ऑब्वियसली अफगानिस्तान व्हिच इज a big issue for us Pakistanis, because stability in Afghanistan means stability in Pakistan. We also want to talk about all three neighbors, Afghanistan, India, Kashmir, and of course Iran. We will discuss the situation there, because all three neighbors of Pakistan. And he lives in a very friendly neighborhood. और जब ट्रंप की बातों से इनको अंदाजा हो गया कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर ये जादू टोना करने लगे। I mean, as if they are not already enough challenges, you know. Mr. President, after your last meeting with the family, पूरे लंदन की पढ़ाई बेकार हो गई यार। तो चीचा की बेवकूफियों से पाकिस्तान भी शर्मिंदा है। नाज़रीन, नया पाकिस्तान तो न जाने कब बनेगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से नई दुनिया बनने लग गई है। इमरान खान ने दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। तेहरान में अपने खिताब के दौरान जापान को जर्मनी का हमसाया करार दे दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। जर्मनी एंड जापान किल मिलियंस ऑफ देयर सिविलियंस अंटिल आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. Oh my God! Wow! So now there's no question of them ever having bad relationship, because their economic interests are tied together. मुझे तो लगता है कि इमरान खान को वर्ल्ड अभी भी पैंजिया के स्टेट में ही नजर आ रहा है, इसीलिए इनको जर्मनी और जापान का बॉर्डर सेम लग रहा है। पुलवामा में टेररिस्ट अटैक किसने कराया, इसके चार्जेस पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उनके पीएम ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले ली और खुद ही भाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। पुलवामा, दिस व्हाट हैपेंड इन फरवरी लास्ट ईयर, इट वाज क्लियरली एन इंडिजिनस थिंग। इट वाज अ कश्मीरी बॉय रेडिकलाइज्ड बाय द brutality of the security forces. He blew himself up, but because this group claimed responsibility, which was in India as well. Jaish e Mohammed was operating in India. वाह वाह, वैसे ऐसा काम ये एक बार और कर चुके हैं। भाई साहब इतने डरे हुए थे कि बालाकोट जैसा अटैक फिर से ना हो जाए, कि डर के मारे इनके मुंह से सच बात निकल गई। पाकिस्तान की तरफ आएगी, हमें इंफॉर्मेशन है, और मैंने अपनी उनके साथ हमारी दो दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने
बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? वैसे इनकी बेइज्जती कुछ योद्धाओं ने काफी अच्छे से कर रखी है, चलिए देखते हैं। तारिक फतेह साहब, ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती आपने किसी वजीर आजम की देखी है इससे पहले? देखिए, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने बेडरूम के कपड़ों में उतर आए तो उसकी तो ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए ना। आपने पकड़ के शलवार कमीज जिसमें पूरा पाकिस्तान बेडरूम में जाता है उसको उठा के आप नीचे आ गए तो कौन करेगा? आप सोचिए कल को बोरिस जैक्सन या कोई और अपने पजामों में आ जाए। ये इट शोज दी टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी हो जाए। ये अंग्रेजों की कमीज को लंबा करके कॉलर डाल के बेडरूम में क्या मसला है? अरे भैया, ये लिबास सोने का है इसलिए कि ये बेडरूम के कपड़े। देखिए, पाकिस्तान का एक और प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, हालांकि वो ढंग का आदमी, लेकिन आपने वो हेलीकॉप्टर में देखा होगा सलवार कमीज पहने हुए, मुसीबत में फंसे हुए थे, कैमरा ऑन थे, और वो क्या कर रहे थे? कभी हजारबंद खुल जाता है इन लोगों का, कभी निक्कर नहीं पहनने आती को कुछ। यानी एक जमाना था, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को कुछ भी कहें या शेख मुजीब को या जनरल अयूब खान को, कम अज कम कपड़े पहनने आते थे। अब जो निकल रहे हैं वो वही बेडरूम से उठते हैं, बोले की कर रहे हैं भाई, चलो चलिए। एक मिनट, अर्णब गोस्वामी का किससे भी कॉन्टेक्ट हो ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। 10 पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया है, उसमें से एक अर्णब गोस्वामी भी है। और यहां पे जैसे आपके यहां भी होता है, आपके यहां लोग लेते हैं इमरान खान का इंटरव्यू ठीक है, उस व्हाट्सएप चैट में जिसके बारे में इतनी हवा भरी गई है, उसमें ऐसा अर्णब ने क्या लिख दिया जिससे आपको, किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी हिंदुस्तानी को यह पता लगा कि साहब अर्णब को बड़ी कोई खुफिया जानकारी थी? इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, फिर मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। मुझे सिर्फ इतना बता दे मेजर साहब, सर आप मुझे बता दें, चीमा साहब एक मिनट, इंडिया की बात हो रही है, चीमा साहब आप इस शो का एंकर मुझे ही रहने दें, मेरे सवाल का जवाब दें, खत्म हो गया इस डिबेट का। मुद्दे पे आते हैं, इमरान खान क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान का लेवल नहीं है और इसका लेवल नहीं है और अर्णब गोस्वामी का लेवल नहीं है। बात लेवल की नहीं है सर, बात यह कि इमरान खान को पता है कि अगर वो अर्णब गोस्वामी के साथ टीवी पे आता है तो उसका हशर क्या होगा, असली बात यह है। और अब मैं आपको एक नमूना देता हूं छोटा सा कि आपको भी पता लगे कि इमरान खान का हशर क्या होगा। ये जो है ये इमरान खान है ठीक है सर, ये इमरान खान है, ये आलू नहीं है, ये इमरान खान है सर, ये इमरान खान है, और ये जो है ना ये अर्णब गोस्वामी है। अब अर्णब गोस्वामी के साथ अगर इमरान खान आता है टीवी पे गारंटी के साथ, तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से आलू का जो इसका जो कवरिंग होती है ना आलू की, छील छील के ये देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी ये होने वाला है। ये सुनिए मेरी बात चीमा साहब, ये इमरान खान के साथ यही होने वाला है जो मैं आलू के साथ कर रहा हूँ इस वक्त। साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब थोड़ी इंडिया की पप्पू की बात करते हैं। लास्ट टाइम तो पप्पू ने खुद अपने ट्रांसलेटर को भी कंफ्यूज कर दिया था, इस बार इन्होंने एक अच्छा ट्रांसलेटर ले आए हैं। वी विल नॉट अलाउ नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रॉय द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी फिर भी यहाँ ये सोच रहे हैं कि मेरी एक लाइन को ये इतना क्या बता रहा है। இந்த நாட்டின் அஸ்திவாரத்தை அசைத்து பார்ப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு நாளும் அனுமதிக்க மாட்டோம். He has also got another confusion. அவருக்கு இன்னொரு குழப்பமும் இருக்கிறது. He thinks that just because he can blackmail the government of Tamil Nadu, he can control the people of Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற அரசாங்கத்தை பிளாக்மெயில் செய்வதன் மூலமாக தமிழகத்திலே இருக்கின்ற 7 கோடி மக்களையும் அவர் மிரட்டலாம் என்று எண்ணுகிறார். He does not understand that only the Tamil people can decide on the future of Tamil Nadu. அவர் கொண்டு புரியவில்லை தமிழகத்தினுடைய எதிர்காலத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் என்பது இந்த பிரதமருக்கு புரியவில்லை. Nikkarwalas from Nagpur can never ever decide the future of this state.
लो यार ये फिर से शुरू हो गया, एक ही बात को गोल गोल घुमा के फिर से वही ऐसे टाइप आंसर लिख रहा है। आज के वीडियो में मैंने दो पप्पू दिखाए हैं, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका फेवरेट पप्पू कौन है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, बिना कंजूसी किए कर दो। हमारी यही कोशिश रहती है ताकि हम आप सबको हर रोज एंटरटेन कर सकें।